मेडिकल कॉलेज में आपदा प्रबंधन को लेकर कार्यशाला का हुआ आयोजन। कॉलेज में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, आगजनी या बिल्डिंग गिरने पर किस प्रकार से कार्य करना है, संबंध में दी गई जानकारी। होमगार्ड और एसडीआरएफ ने इस आपदा प्रबंधन को लेकर बताई बारीकियां। बचाव कार्य प्रारंभ करने और बचाव कार्य करने के दौरान की जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया गया। होना चाहिए इवैक्यूएशन लाइन, लोगों को निकालने का प्लान। तो ये मिटिगेशन हो गया और प्रिपेयरनेस हो गया। अब इमीडिएट एक्शन और कुछ टेक्निकल वर्ड। सबसे पहले क्या होगा, पानी, ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छता, हाइजीन, ये सारी फूड खाना और स्ट्रक्चरल मिटिगेशन। ठीक है, तो मिटिगेशन के दो तरीके, दो प्रकार है, स्ट्रक्चरल मिटिगेशन एंड आयोजन किया गया है। क्या जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विदिशा के द्वारा आज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें आपदा अगर कोई घटित होती है तो किस तरह हम अधिक से अधिक लोगों की जान की और माल की रक्षा कर सकें, पूर्व में क्या तैयारी करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जान और माल की रक्षा कर सकें। किस किस प्रशिक्षण दिखाए जाएंगे, मतलब क्या क्या कर्तव्य दिखाए जाएंगे अभी? आज के उसमें जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है विदिशा की, वो खोज और बचाव, अगर कोई बिल्डिंग गिर गई है, किसी तरह की घटना घट गई है, तो किस तरह से वो पहले सर्च करेगी और फिर उसके बाद रेस्क्यू करेगी, इसके बारे में जानकारी देंगे। नगर पालिका की टीम जो है अभी फायर ब्रिगेड के बारे में लोगों को बताएगी।